खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं सुनैना, हिंदुस्तान न्यूज 24 की ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पहुज नदी पर बन रहे सेतु को लेकर ग्रामीणों में पनप रहा आक्रोश। उरई जालौन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले सेतु के मानक विहीन निर्माण होने से क्षेत्रीय नागरिकों में पनप रहा आक्रोश, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय जन निर्माण अधीन सेतु पर पहुंच गए। अपनी नाराजगी जताई पर ठेकेदार मानने को तैयार नहीं। गौरतलब बात यह है कि जालौन, गरोटा, भोगनीपुर सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा भी ग्रामीणों के आग्रह पर मौके पर पहुंच गए। मानक में कोई बदलाव करने को ठेकेदार तैयार नहीं है। विधायक और सांसद द्वारा इस सेतु शिलान्यास के गत वर्षों में किया गया। जनता के आक्रोश के चलते क्या ये सेतु बन पाएगा या फिर जनप्रतिनिधि इसमें करेंगे हस्तक्षेप, ये तो समय ही बताएगा। आज इस समय ले संवाददाता कैलिया, हिंदुस्तान न्यूज 24। बालू खराब है, गिट्टी भी खराब है, सफेद गिट्टी आ रही है, खराब हम लोग है। कुछ कर्मचारी आगे जा भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चले यहाँ बेबी नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कर्मचारी हम पहचानते तो नहीं, सकल से पहचानते हैं, पुल बंद करवा देंगे सारा, ये पुल बंद करवा देंगे सरिंगे सर, बालू मिट्टी आ रही, बालू मिल के यही लगेगी। मुख्यमंत्री भी चले जाए तो उसको नहीं मिट सकते, मतलब कि गांव भर की ये इच्छा है कि मतलब कि ये मिट्टी लगने लगे अलग है, मतलब कि ये बजरू सब माल खराब आ रहा है, सब माल खराब आ रहा है, पचासों बोरी सैकड़ों बोरी नदियों में जा रही। ये हमारे ग्राम प्रधान जी हैं श्री मान्य श्री, इनका नाम श्री नंद पाल यादव जी है, ग्राम मऊ के प्रधान है, जहाँ पे ये पुल बनने जा रहा है और ये मऊ महोनी के बीच में।